जय जोहार, मैं हूं तपेश जैन और छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चुनाव होने वाले हैं अभी। इससे पहले व्यापारी एकता पैनल ने आज एक मीटिंग बुलाई हुई है। क्या कुछ कहते हैं कि 3 साल का कार्यकाल और इस मीटिंग को लेकर क्या कुछ बताएंगे? 3 साल के कार्यकाल के लिए तो पूरे प्रदेश भर में व्यापारियों के मन में बहुत असंतोष है। अब सामने चूंकि कार्यकाल पूरा हो गया है तो व्यापारी जो चुनाव होगा उसमें अपने वोट से बताएंगे वो कितने संतुष्ट नहीं है। और रही बात व्यापारी एकता पैनल की, जब से चैम्बर ऑफ कॉमर्स का गठन हुआ है व्यापारी एकता पैनल उसके लिए सदैव तत्पर रहा है। आज एक ये नहीं बोल सकते चुनावी बैठक है, एक प्रकार से हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं और आगे की प्लानिंग करेंगे। अभी चुनाव वाली तो कोई बात नहीं है, ये एक गेट टुगेदर है कि सब मिले, एक दूसरे की बातें करें और फिर आगे चुनाव की प्लानिंग होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार रुंगटा। जी जी जी, बेलाई दुर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। जी जी, क्या नाम है सर आपका? सुरेश अग्रवाल जी। क्या कहेंगे सुरेश भैया? अभी जैसे संजय भैया ने जो बातें बोली मैं उससे अक्षरशः सहमत हूँ। और जहाँ तक चैम्बर जो है ये व्यापारियों का संगठन है, व्यापारी एकता पैनल के रूप में जो पहले कार्य होते थे, जैसे समय था भाई महावीर जी का नाम होता था, पूरन लाल जी का नाम होता था। पूरन लाल जी ऐसे चैम्बर के अध्यक्ष रहे हैं जिनसे अधिकारियों को खौफ था। अभी हमारे चैम्बर के जो अध्यक्ष बन रहे हैं वर्तमान में वो लगता है कि अधिकारियों के लिए कार्य कर रहे हैं। ये बड़ी दुविधा की बात है, ये बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ मैं, किसी को अगर बुरा लगे तो क्षमा चाहूंगा। और व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यापारियों के लिए सोचना चाहिए। अभी हमारे साथी भी बहुत से ऐसे हैं, नाम किसी का नहीं लूंगा, जो व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करते करते विधानसभा का रास्ता बना रहे हैं, ये गलत है। व्यापारिक हित में अगर सोचेंगे आप तो काफी परिवर्तन है, काफी जरूरत है अच्छे व्यापारियों की, अच्छे व्यापारी प्रतिनिधित्व करने वालों की। बहुत अच्छी बात है, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए धन्यवाद। हमारे साथ में कन्हैया अग्रवाल भी जुड़े हुए हैं। कन्हैया भैया, क्या कुछ कहेंगे इस आपको अनाउंस कर रहे हैं? आज की इस बैठक जी जी का आयोजन मूल रूप से व्यापारिक हितों पर, जो पिछले दिनों से बहुत सी समस्याएं व्यापारियों के सामने आ रही हैं उस वजह से ये बैठक बुलाई गई है। बैठक में जीएसटी की परेशानियां जो है बड़ा मुद्दा है, यूजर चार्ज बड़ा मुद्दा है, राइस मिलरों का पेमेंट नहीं हो रहा है बड़ा मुद्दा है, और जिस तरह से वातावरण में एक भय पैदा किया जा रहा है अफसरशाही के द्वारा, ये तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा होनी है। और उन मुद्दों को लेकर के आगे क्या हम आंदोलन कर सकते हैं, किन से मिल सकते हैं, क्या चर्चा होगी, उस पर बात करेंगे। बहुत अच्छी बात है, चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। चुनाव सेकेंडरी मुद्दा है, पहला मुद्दा है कि व्यापारियों को संगठित करके व्यापारियों के हितों के लिए बात करना। कोई संगठन तब मजबूत हो सकता है जब अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़े। हम अपने लोगों की लड़ाई की बात पहले कर रहे हैं, उनके हितों की रक्षा करना हमारा पहला काम है। बहुत अच्छी बात है, आपने अपनी बात रखी। मैं तपेश जैन नरेंडा कुछ साल में, जय जोहार।